यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। वो बादशाह जिस्मानी तौर पर माजूर था, उसकी सिर्फ एक थाम और एक आंख थी, लेकिन जहनी तौर पर वो बादशाह इंतहाई चाकू चौबन और जहीन था, जिसकी वजह से उसकी रियाया उससे बहुत ज्यादा खुश थी और सारी रियाया खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। उस बादशाह की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि सल्तनत का बादशाह होते हुए भी वो बहुत सादा जिंदगी बसर किया करता था, इसीलिए लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसके अलावा वो बादशाह जरूरतमंदों के तमाम मसाइल को बिला ताखीर फौरी तौर पर हल करने के अहकाम दिया करता था। दोस्तों, एक रोज बादशाह के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपनी एक अच्छी सी तस्वीर बनाकर दरबार में लगवा ले। उसने ये ख्याल अपने वजीरों और मुशीरों के सामने पेश किया तो उन सब ने इसकी तायीद की और बादशाह की इस तजवीज को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। फिर क्या था, बादशाह के हुक्म से तमाम मुल्की और बैरूनी ममालिक से मुसव्विरों को बादशाह की तस्वीर बनाने के लिए दावत दे दी गई और दुनिया भर से मुसव्विर इनाम और इकराम की लालिश में उस बादशाह के दरबार में पहुँच गए। उस बादशाह ने बड़े दरबार में अपनी इकलौती टांग पर खड़े होकर ऐलान किया कि तमाम मुसव्विरों में से जिसकी बनाई हुई तस्वीर सबसे अच्छी होगी और बादशाह को पसंद आएगी, उसकी तस्वीर को न सिर्फ दरबार में लगाया जाएगा बल्कि उस मुसव्विर को इनाम और इकराम के अलावा बहुत बड़ी जागीर और शाही मुसव्विर का ओहदा भी दे दिया जाएगा। तमाम मुसव्विर बादशाह का ऐलान सुनकर सोचने लगे कि बादशाह सलामत तो पहले से ही एक टांग से लंगड़े हैं, जबकि उनके चेहरे पर एक ही आंख है, फिर उनकी तस्वीर को किस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है। तमाम मुसव्विर ये बात सोचने लगे, अगर हमने ये तस्वीर बनाई और वो तस्वीर बादशाह को पसंद ना आई तो इनाम तो मिलना दूर की बात, उन्हें सख्त से सख्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर तमाम मुसव्विर दरबार से उठकर चले गए, लेकिन सिर्फ एक मुसव्विर रह गया जो इंतहाई कम उम्र था। दोस्तों, उस मुसव्विर ने अपनी जगह से उठकर बादशाह के सामने खड़े होने की जुर्रत की और बादशाह को सर से पैर तक देखने के बाद मुस्कुराकर बोला, आलीजा, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा और मुझे यकीन है कि मेरी बनाई हुई तस्वीर आपको और आपकी रियाया के अलावा आपके तमाम मुशीरों को भी बेहद पसंद आएगी। बस मुझे अपने महल में एक कमरा इनायत फरमा दे जहां मैं सुकून के साथ अपना काम कर सकूं। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि इस मुसव्वर के रहने के लिए महल के बड़े कमरे में इंतजाम किया जाए। रिहाइश का इंतजाम होने के बाद मुसव्विर बादशाह की तस्वीर बनाने में मसरूफ हो गया। दिन रात की मेहनत से जब तस्वीर बनकर तैयार हो गई, तो वो बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ और बताया कि जनाबे वाला, आपकी तस्वीर तैयार है, कल मैं दरबार में इसकी नकाब कुशाई करना चाहता हूँ ताकि आपके तमाम वजीर, मुशीर, जागीरदार, नवाब, उमरा और तमाम रियाया मेरी ये बनाई हुई तस्वीर देखें। दूसरे रोज दरबार खिंचाखिंच भरा हुआ था। मुसव्विर भी एक बहुत बड़े कपड़े में लिपटी तस्वीर लेकर दरबार में मौजूद था। मुसव्विर ने बादशाह से इजाजत तलब करके तस्वीर से कपड़ा हटाया तो दरबार में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। बादशाह ने भी जब अपनी तस्वीर देखी तो वो खुशी से झूम उठा। उसने आगे बढ़कर मुसव्विर को गले लगा लिया। मुसव्विर ने तस्वीर में ये दिखाया था कि बादशाह एक घोड़े पर सवार है और उसकी सिर्फ एक टांग नजर आ रही है, जबकि दूसरी टांग घोड़े की दूसरी तरफ छुपी हुई है। इस तरह बादशाह ने एक बंदूक पकड़ी हुई है और उस बंदूक के जरिए बादशाह शिकार करने जा रहा है। दोनों हाथों में बंदूक और एक आंख बंद करके सामने खड़े शेर को निशाना बनाया जा रहा था। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ कि मुसव्विर ने किस खूबसूरती से उसकी जिस्मानी खामियों को छुपाते हुए उसके जाहू जलाल को उजागर किया है। लिहाजा बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक मुसव्विर को इनाम और इकराम के अलावा बहुत बड़ी जागीर भी अता की और उसे शाही मुसव्विर का ओहदा भी दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। इस तरह की कहानियाँ मजीद अगर आप सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बरवक्त इत्तला मौसूल हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।